morning, students. Today our topic is psychotherapy. Psychotherapy discuss करने से पहले अपन देखेंगे कि जो psychotherapy है and psychoanalysis है ये किसने और कब दिया और क्यों दिया. कि जो भी different kind की therapy है जो psychiatric disorder को treat करने के लिए काम में ली जाती है ये सब दी गई सिगमंड फ्रूड के थ्रू. सिगमंड फ्रूड एक साइंटिस्ट थे एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोएनालिसिस एक थ्योरी दी जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि जो कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स है मेंटल डिजीज है उनका होने का कारण पहले क्या समझा जाता था फिजियोलॉजिकल रीजन होता था फिजियोलॉजिकल रीजन समझा जाता था. बट सेगमेंट फ्रूड ने ये बताया कि उनके पीछे खाली फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं होता है उनके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है. साइकोलॉजिकल कारणों के थ्रू भी मेंटल डिसऑर्डर है डिजीज है वो होती है और उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को थ्रू दी साइकोथेरेपी थेरेपी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी उनको ट्रीट किया जा सकता है. ये सब प्रोसेस बताया साइकोएनालिसिस वगैरह सिगमंड फ्रूड ने बताया था. अब साइकोथेरेपी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी पर्सन का अनकॉन्शियस माइंड है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी थॉट्स हैं जो भी ड्रीम्स हैं रिलेटेड टू आवर कॉन्फ्लिक्ट्स उन सबको वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बाहर निकाला जाना और जो भी डिजीज है उसको तैयार करना रिपेयर करना उसको. तो सबसे पहले अपन देखेंगे साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी इट्स ए सिस्टमिक ट्रीटमेंट. ये एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट है वन बाय वन स्टेप के थ्रू अपन साइकोथेरेपी के थ्रू पेशेंट के अंदर जो भी डिसऑर्डर है उसको सही करते हैं. देन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द साइकोथेरेपी. वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी इनर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी बातें बाहर निकलते हैं. देन एम ऑफ द साइकोथेरेपी इज रिलीव पेशेंट सिम्टम्स. पेशेंट्स के जो सिम्टम्स है रिलेटेड टू डिसऑर्डर उनको रिलीव करना बाय द साइकोथेरेपी नाउ द टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी. कुछ साइकोथेरेपी के टाइप्स हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख रहे हैं नंबर डिवाइड किया गया इंडिविजुअल एंड ग्रुप. अब ये नंबर क्या है व्हाट इज नंबर. नंबर इज द पार्टिसिपेंट पार्ट प्ले इन द साइकोथेरेपी. कितने मेंबर हैं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं कितने पेशेंट हैं जो इस थेरेपी के अंदर पार्ट प्ले करने वाले हैं पार्ट लेने वाले हैं. इसके आधार पे ग्रुप बनाया गया इंडिविजुअल साइकोथेरेपी ग्रुप और इंडिविजुअल थेरेपी एंड ग्रुप थेरेपी बनाई गई. देन सेकंड एंड ड्यूरेशन कितनी ड्यूरेशन लगने वाली है साइकोथेरेपी के दौरान पेशेंट के ऊपर तो उस ड्यूरेशन को भी फर्दर टू पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म थेरेपी देन शॉर्ट टर्म थेरेपी. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म थेरेपी देन सेकंड इज शॉर्ट टर्म थेरेपी देन थर्ड पार्ट इज डेप्थ. डेप्थ कितनी डेप्थ तक एक्सप्लोरेशन किया जाएगा पेशेंट के साथ में कितना ज़्यादा थिंग्स को एक्सप्लोर किया जाएगा कितना डीप में जाएगा कितना सुपरफिशियली जाएगा ये सब इनको फर्दर डिवाइड किया गया. डेप्थ को सपोर्टिव थेरेपी एंड डीप थेरेपी के अंदर सपोर्टिव थेरेपी एंड डीप थेरेपी. नाउ फोर्थ पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी. रेस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे पेशेंट को दो सब ग्रुप के अंदर मतलब कि जो पेशेंट है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इस थेरेपी के अंदर दो तरह से. फर्स्ट इज डायरेक्टिव देन सेकंड इज नॉन डायरेक्टिव डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव. देन फिफ्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ द थेरेपी. नेचर ऑफ द थेरेपी जो थेरेपी जो देने वाले हैं उसका नेचर किस तरह का रहने वाला है. क्या उसका फैमिली ग्रुप जो फैमिली मेंबर है वो होंगे खाली या एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होगा जो रिलेटेड
सिमिलर जिनका टास्क होगा या सिमिलर जिनकी बीमारी होगी या कुछ ऐसे सेम एज के चिल्ड्रंस का ग्रुप होगा या सेम एज के एडोलसेंट का ग्रुप होगा, लाइक फैमिली मैरिटल ग्रुप चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, दीज आर द नेचर ऑफ द थेरेपी के अंदर अपन देखते हैं, इस पार्ट के अंदर देखते हैं। उसको फर्दर फोर पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। तो अपन ने देख लिया साइकोथेरेपी को बेसिकली अपन ने कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, फाइव पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, देन ड्यूरेशन, देन डेप्थ, देन डायरेक्टिव सॉरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन नेचर। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस साइको एनालिटिक Gracias.
ये राइट ऑफ फ्री एसोसिएशन पढ़ता हूँ, मीनिंग क्या है, पेशेंट को एक ब्रॉड आउटिंग देनी है फॉर द क्लियरेंस ऑफ द थॉट इन अनकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर देखते हैं टू से द पेशेंट व्हाट एवर कम्स इन माइंड ऑफ द पेशेंट रेस्पॉन्स टू ए वर्ड गिवन बाय द थेरेपिस्ट। इसके अंदर जो भी उसके माइंड के अंदर आ रहा है रिलेटेड टू ए वन वर्ड और टू वर्ड, थेरेपिस्ट क्या करेगा पेशेंट को कुछ भी एक रैंडमली एक वर्ड या दो वर्ड कोई भी वर्ड दे देगा, उसके ऊपर उसको बोलना है कि फ्री फ्लोली कुछ भी उसके ऊपर जो थॉट्स आ रहे हैं वो उसके बारे में डिस्कस करें, आपसे बात करें, फ्री फ्लो उसके बारे में टॉकिंग करें, बातें करें। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर देख सकते हैं जो साइकियाट्रिस्ट है उसने पेशेंट को दिया एक वर्ड, लाइक एक वर्ड दे दिया मदर, मदर के ऊपर उसको फ्री फ्लोली बोलना है। तो मे बी फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर उसको अपन ने मदर वर्ड दिया है तो पेशेंट क्या हो सकता है मदर वर्ड के पीछे बोल सकता है कि ये डेविल होता है, अगर ये है वो है शैतान है। तो अगर ऐसा मदर के लिए वो ऐसा बोल रहा है तो अपने जो पेशेंट की जो रिलेटेड थीम है, जो अपने को थीम पकड़नी है वो अपनी पकड़ में आ जाएगी बाय द फ्री एसोसिएशन। और अगर मदर वर्ड के अगेंस्ट वो बोल रहा है, मदर है जो काइंड होती है, ये होती है, अपना ध्यान रखती है, ये सारा कुछ बोल रहा है, तो अपनी थीम भी चेंज हो जाएगी कि पेशेंट किस तरह से सोच रहा है, इसकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिविटी की तरफ है या नेगेटिविटी की तरफ है। तो इस तरह से फ्री एसोसिएशन के अंदर इस तरह से देखा जाता है कि थॉट प्रोसेस या थीम है जो पेशेंट की किस तरफ जा रही है। देन सेकेंड पॉइंट आफ्टर फ्री एसोसिएशन इट्स ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस कई लोगों के प्रति, वो लोगों के प्रति काफी ज्यादा नेगेटिव,
पेरेंट्स की थॉट लोगों के प्रति नेगेटिव है। अब जो पेशेंट है वो ऐसा सोचेगा, जो मेरा थेरेपिस्ट है, साइको एनालिस्ट है, उसकी जो थॉट है वो मेरे प्रति क्या है, नेगेटिव है। इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। जो पेरेंट्स के अंदर थी उसको ट्रांसफर करके थेरेपिस्ट के अंदर अब उसने पेशेंट ने ट्रांसफर कर दी, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेंस। तो ये ड्रीम एनालिसिस के अंदर कई बार ट्रांसफरेंस भी हो जाता है। ट्रांसफरेंस को इस तरह से समझेंगे अपन के नेगेटिव थॉट्स का, जो पेशेंट पेरेंट के थॉट्स का समझना थेरेपिस्ट के ऊपर। तो इस तरह से ड्रीम एनालिसिस किया जाता है और दी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी थॉट्स हैं